नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये चारा काटने की मशीन है, गांव-गांव में दिखती है। हालांकि अभी इस मशीन की शक्ल भी काफ़ी तरह से आधुनिक हो चुकी है, लेकिन ये पुराना है। हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव में जहां शाक्य समाज बड़ी संख्या में रहता है। शाक्य, मौर्या, सैनी और कुशवाहा, ये OBC के भीतर दूसरी जातियाँ हैं जो संख्या के हिसाब से काफ़ी मजबूत हैं। राजनीतिक रूप से ये कभी BJP के साथ रहीं, मगर धीरे धीरे ये बसपा के साथ जुड़ती चली गईं। और अब सपा ने भी इसके भीतर अपनी दावेदारी यूं जमाई है कि इस समाज के एक व्यक्ति को मंत्री पद का दर्जा दिया है और टिकट भी दिया है। बसपा ने भी दिया है और BJP ने भी दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जातियों के ब्लॉक को उनके गाँवों के बीच जाकर समझना और उनसे बात करना कि आखिर वो क्या चीज़ है जो उन्हें एक समूह के रूप में परिभाषित करती है। क्या इसके बीच में कोई दरार आ रही है? क्या इनके बीच में वो कौन सी चेतना है जो उन्हें अचानक इतिहास के पन्नों से चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक को निकालकर अपनी जाति के नेता के रूप में स्थापित कर देती है? नमस्ते संगमित्रा जी। वाह, नहीं नहीं, चलते रहिए, आप कैंपेन कीजिए, हम बात भी कर लेंगे। हाँ, तो इस गांव में जहाँ आप आई हैं सिर्फ कुशवाहा समाज के लोग हैं? नहीं नहीं, इसमें यहाँ पे शाक्य समाज है। यहाँ पे शाक्य क्या समाज, सर्व समाज के लोग हैं इसमें। अच्छा अच्छा, ओह अच्छा, सब कोई सफारी में देख के मैं थोड़ा डर गया। आप लोग पुलिस के हैं या फिर BSP के हैं? पुलिस के हैं, BSP के हैं। क्या तैयारी है सर, BSP का है? पूरा कमांडो फोर्स की तरह सफारी में? हाँ, ये क्या फोर्स है? प्राइवेट सिक्योरिटी। अच्छा ठीक है। संगमित्रा जी, मान लीजिए बहुत सारे दर्शक, क्या हुआ था पिछली बार पिछले चुनाव में जब बाबू सिंह कुशवाहा BSP छोड़ के गए थे, तो बहुत लोग जानना चाह रहा था कि कुशवाहा कम्युनिटी क्या है। आपके पिताजी से बात हो रही थी, मैं थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहता हूँ कि एक मोटा मोटी तौर पर इसकी पहचान कहाँ से, कैसे, उसके प्रतीक क्या हैं, नायक क्या हैं, लोग क्या हैं? कि हम लोग तथागत भगवान गौतम बुद्ध के वंशज हैं। बुद्ध के वंशज? अच्छा, हाँ। तो हम लोग, हमारे पहले कई शासक भी रहे हैं, दशियों शासक हमारे रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं, सम्राट अशोक रहे हैं, सम्राट अशोक के पिता राजा बिंदुसार रहे हैं, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन रहे हैं। तो अशोक को आप लोग अपने पहचान का हिस्सा मानते हैं? बिल्कुल, सम्राट अशोक को जी। अच्छा, ये अभी से हुआ है, हाल फिलहाल से हुआ है या शुरू से रहा? ये चेतना इधर आई है क्या, हाल फिलहाल में आई है? नहीं नहीं, हम लोग तो सम्राट अशोक के वंशज ही हैं, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के वंशज हैं। ये हाल फिलहाल नहीं, जब से हम लोग है तब से हम लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्धिस्ट हैं हम लोग। नहीं, हम लोग क्या, कई उपजातियाँ हैं, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सैनी, कोरी, काछी, माली, मुराओ, इसे हर जगह अलग अलग सरनेम लिखते हैं लोग। ओहो, तो ये सारे औरतें आपके लिए इंतजार कर रही हैं, आप पहले इनसे मिल लीजिए, फिर मैं आगे आपसे और सवाल करूंगा। किसको देखने के लिए आई हैं, कौन है ये? तो संगमित्रा तो अशोक की बेटी का भी नाम था, संगमित्रा और महेंद्र अशोक ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद इन दोनों को प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे बेटी को भेज दिया, तो वो संगमित्रा वहाँ से लौट के यहाँ आ गई। यहाँ पर भी एक तरह से बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार हो रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी बौद्ध धर्म के कदमों पर चलने का काम कर रही है। बहन कुमारी मायावती जी भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम कर रही है, तो यहाँ पर भी ये संगमित्रा भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही नीला झंडा लेकर के चल रही है। तो साड़ी ही आपकी नीली है, तो पूरी बसपा की साड़ी हो गई। एक और दो चार बातें हैं कि आपने कहा बौद्ध धर्म है ना, तो हिंदू रीति रिवाज से आप लोग अलग हैं पूरी तरीके से, हैं कि वो भी साथ साथ चलता है? नहीं, हम लोग वैसे तो है बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म की हर चीज को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ सब धर्मों को भी मानते हैं। मानते हैं, वो चलता है, रामनवमी में भी चले गए और उसमें भी चले गए। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सब धर्मों में हम लोग हिस्सा लेते हैं। अच्छा, नहीं वो राजनीतिक हिस्सेदारी की बात नहीं, राजनीतिक के लिए, उसके अलावा भी। हम जानना चाहते हैं कि आपके जरिए, हम BSP की राजनीति की तो बात करेंगे,
हम जानना चाहते हैं कि आपको आइडिया था प्रिया कुशवाहा समाज के बारे? कुशवाहा के बारे में मुझे नहीं पता था कि बुद्धिस्ट हैं और ये सब इस बारे नहीं में नहीं लगता था। तो मुझे लगता था हिंदू धर्म में ही है कुशवाहा। हिंदू धर्म में ही है कुशवाहा जो एक कई जगह पर कुशवाहा जो है क्षत्रिय समाज भी लिखते हैं, जैसे दिल्ली की साइड में जो है कुशवाहा क्षत्रिय लिखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये बेल्ट जो है इटावा मैनपुरी फिरोजाबाद एटा यहाँ शाक्य लिखते हैं, ये सारे लोग शाक्य लिखते हैं। शाक्य लिखते हैं। तो आपने आप प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर थी मतलब? अच्छा, उसके बाद छोड़ के आप राजनीति में आ गए हैं। पर आप लोग तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीएसपी के नेता हैं, बड़े नेताओं में से एक हैं, कई बार दिल्ली में की नज़र से बीएसपी में लगता है कि सिर्फ मायावती नेता हैं, लेकिन जैसे आप यूपी में आते हैं तो कई नेता इसके दिखते हैं, सतीश मिश्रा हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हों या स्वामी प्रसाद मौर्य हों, और भी तीन चार समाज के सैनी साहब जो मुरादाबाद से लड़ रहे हैं ना कोई, हाँ धर्मपाल सैनी, तो इस तरह से कई समाज के नेता बीएसपी के भीतर हैं। नरेंद्र कश्यप हैं, कश्यप समाज के हैं, कश्यप और कुशवाहा अलग होते हैं नहीं? जी जी। तो खेती के कारोबार से आप लोगों का समाज जुड़ा रहा है एक तरह से? बिल्कुल, खेती से हम लोगों का समाज जुड़ा रहा है हमेशा। पर मैंने एक चीज देखी है, अगर आप में से कोई और बता सके, जब मैं आ रहा था तो फिरोजाबाद में मैंने देखा, मैंने मोबाइल से तस्वीर ली, वो मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, कि उसमें लिखा हुआ था कि सम्राट अशोक के जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और जब मैं नाम देख रहा था तो उसमें सारे नाम में शाक्य लोग लिखा हुआ था, मतलब तो आपके समाज से लोग आते हैं। तो ये अशोक की जयंती 6 अप्रैल को, अप्रैल की कोई तारीख थी, देश के किसी हिस्से में मन रहा है सम्राट अशोक, मैं हैरान हो गया देख के कि ये कब से है, आपको भी कोई आइडिया है? आप लोग भी अशोक की कोई जयंती मनाती थी या अब मनाने लगे? देखिए, सम्राट अशोक की जयंती तो हमेशा ही विजयदशमी के दिन मिलनी बनाई जाती है। हाँ। धम्म दिवस जो होता है उसी हाँ। दिन सम्राट अशोक ने विजय प्राप्त किया था और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ज्वाइन किया था। अच्छा। बौद्ध धर्म की शपथ उन्होंने लिया था, तो विजय धम्म दशमी के दिन हम लोग जो है सम्राट अशोक की जयंती मनाने का काम करते हैं। जो रामनवमी वो विजय दशमी लोग कहते हैं, उसे हम लोग विजय धम्म दशमी के नाम से मनाते हैं। अच्छा, तो ये टीवी में तो नहीं आता, अखबार में भी नहीं आता है? अब जो बौद्धिस्ट है, भगवान बुद्ध के अनुयायी है, वो विजय धम्म दशमी के ही नाम से जानते हैं, वो अलग से मनाते हैं। पर आप लोग फिर रावण नहीं जलाते हैं? नहीं नहीं। जब मैंने अशोक जयंती देखी तो मुझे अपनी स्मृतियों में तो मैंने कहीं नहीं देखा था, हो सकता है कि मैं भी उसी तरह से डिस्कनेक्ट। दरअसल बहुजन समाज पार्टी अब हमारे इतिहास को जगाने का काम कर रही है। अभी तक सारी पार्टियां जो भी शासन सत्ता में आई हमारे इतिहास को जगाने के बजाय हमारे इतिहास को दबाने का काम करती थी। जैसे जिसकी वजह से हमारा समाज अपने इतिहास को भूलने सा लग गया था। हाँ। इतिहास के पन्नों से भी हमारे इतिहास को हटाया जाने लग गया। हाँ। जो भी हमारे पूर्वज थे उनको भी हम लोगों से दूर किया जाने लग गया। बहुजन समाज पार्टी जब शासन सत्ता में आई तो हमारे इतिहास को उसने जगाना शुरू किया, चाहे वो भगवान बुद्ध की मूर्तियां जगह जगह लगवा करके, चाहे भगवान बुद्ध की बुद्ध विहार बनवा करके। हाँ। या हमारे महापुरुष बीएसपी ने किया, बुद्ध विहार भी बनवाया बीएसपी? जी, बुद्ध विहार भी बीएसपी ने बनवाया। लखनऊ में चले जाइए, नोएडा में चले जाइए, के महापुरुषों की जयंती मनाने का। सवाल मित्रा जी, कि बिहार में एक उपेंद्र कुशवाहा हैं जिनसे बीजेपी ने समझौता किया, कुशवाहा समाज से, आप लोग भी कुशवाहा समाज से हैं, तो दोनों में कोई समानता है या उनके वो लोग भी बौद्ध मानते हैं, आप लोग कोई उधर की जानकारी हो तो? उधर के कुशवाहा जो है वो अपने आप को लव और कुश के वंशज मानते हैं। अच्छा, तो वो हिंदू धर्म को पूरी तरह से बिलोंग करते हैं। ओ, और आप लोग सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य उसके वंश? जी जी। देखिए, लगता है अदल बदल हो गया है, नहीं कायदे से लव कुश वाले इधर होने चाहिए और उधर सम्राट अशोक वाले होने चाहिए थे, लेकिन सम्राट अशोक को मानने वाले कुशवाहा समाज के लोग एटा और फिरोजाबाद शिकोहाबाद में घूम रहे हैं और वहाँ पे लवकुश को मानने वाले हैं, तो देखिए कितना अदल बदल है। पूरब साइड में भी कुशवाहा जो लोग लिखते हैं वो लव और कुश को ही लव और कुश को मानते हैं, लेकिन आप लोग कुशवाहा दूसरे हैं जो चंद्रगुप्त और अशोक सम्राट अशोक के वंशज हैं। क्या बात है, मुझे ये लोग बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, सफारी वाले के बारे में बताइए ना जरा से, ये लोग कौन है? मैं जानता हूँ, लेकिन पार्टी से हैं। पार्टी से हैं, पार्टी से कन्वेंशन कर रहे हैं। हाँ। बहन जी नहीं, सुरक्षा वाले काम में लगे ना? सुरक्षा कन्वेंशन ये सब नहीं, सुरक्षा वाले काम में कर रहे हैं, उसे जानना चाहते हैं, बता दीजिए इसमें क्या सीक्रेट है? लोग नहीं, नहीं कुछ सीक्रेट नहीं है, सब ओपन है, वो बता रहे हैं। आपके वो वॉकी टॉकी वगैरह था तो मुझे लगा कि वॉकी टॉकी हमारी गाड़ियों से छूट गई, गांव देहात में है। अच्छा, उसके तो लिए वो गाड़ी कहाँ है, कहाँ? अच्छा। नहीं है, क्या है, कहीं कहीं गाँव में नेटवर्क नहीं, कहीं कहीं लगा के कहाँ एक तरह का है, उसका कलर अलग है, उसका कलर अलग है। देखिए मेरा कलर ब्लाइंड है तो थोड़ा, लेकिन मिलता जुलता लग रहा है, सबका ग्रे लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं? सर लग रहा है।
लग रहा है, सबका लग रहा है ये कि दर्जी का सिला हुआ पार्टी से है। पार्टी से है। तो आप लोग पार्टी में क्या मतलब अलग तरह के कार्य करते हैं क्या? नहीं, अलग तरह क्या कार्य करते हैं, विशेष मतलब कुछ की ऑब्जर्वर टाइप से या फिर नहीं? पार्टी के सिपाही है। सिपाही है। और सिपाही का काम है बहन जी की रक्षा करना, सुरक्षा करना, कन्वेंशन करवाना, ये पार्टी का काम है, सिपाही का काम ये। ठीक है, आप बीएसपी के वोटर है ना, वो मैं जानना चाहता हूँ। जाटो तो देगा ही कुशवाहा को, वो मैं नहीं पूछना चाह रहा हूँ, पर वही मैं जानना चाह रहा था कि बच्ची जैसी तो दिखती है ना, है कि नहीं? इतना ना हो तो इधर इतनी भीड़ क्यों होती है, आप यही बताएं पहले। नहीं, वो तो हम नहीं पूछ रहे हैं कि भीड़ कम है कि ज्यादा। देखो बच्चे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो बाद भाग के आए। अच्छा, क्यों आए? आ रही दीदी, आ रही, चलो देखो दीदी आ रही है। क्या बात है, हम औरतें घर में तो नहीं करेंगे, भागे भाग के क्यों आएंगे? मुलायम सिंह आते तो देखने नहीं आते अपन को? अरे मुलायम सिंह आते तो आदमी आते, औरतन का जरूरी थे, आदमी को आदमी देखने जाते, औरतन को औरतन देखने जाते। पर आपको लगता है कि राजनीति में औरतों के लिए उतनी जगह है लड़ाई में? देखिए संसद में कहां बहुत कम औरतें जीत के जाती हैं, बड़े घर की जगह। अब तो हर एक जगह औरतन के लिए, कौन सी ऐसी जगह नहीं है? सर्विस में कहीं आप देखो, हर एक जगह है औरतें। जब राजनीति में घुसे हैं तो वे जीतेंगे क्यों नहीं? जीत जाएंगे, है ना? बिल्कुल जीत जाएंगे, क्यों नहीं जीतेंगे? पर ये बताइए कि टीवी पे नरेंद्र मोदी का इतना प्रचार चलता है। हाँ, चल रहा है, चल रहा है। प्रचार तो किसी को होता रहा, प्रचार तो बहुत चल रहा है। लड़के से आ रही है तो कहीं चलता भी नहीं, नाम भी नहीं जानते। अरे नाम क्यों नहीं जानते, नाम सब नाम जानते हैं, अपने पर ठिया पे सब अपने अच्छी है। तो सारी औरतें निकल के जाएंगे आप लोग इनको वोट देने के लिए? क्यों नहीं जाएंगे, सारी जाएंगी, टोटल जाएंगी हमारे गाँव से, कोई नहीं, सब लड़कियां तक भी नहीं बचे, सब जाएंगे, सब जाएंगे। अच्छा अच्छा, भाषण सुन लीजिए पहले, दीदी को सुन लीजिए। आपके बीच में आपकी बेटी आपकी बहन को आशीर्वाद दे करके भेजा है, और इस उम्मीद से भेजा है, इस विश्वास से भेजा है कि मैनपुरी की जनता अब बदलाव चाहती है। लेकिन साथियों, इस बार बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से यहां विजयी होगी, क्योंकि आप सबका जिस तरह से आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, इससे साफ दिख रहा है कि इस बार आप लोग बहुजन समाज पार्टी को जिताने का ही नहीं बल्कि विरोधियों की जमानत जब्त कराने का भी काम करेंगे। इसी के साथ सभा को समाप्त किया जाता है। जय भीम। क्या नाम है इसका, ये भी कैंपेनिंग कर रहा है? हैं? बोलो बोलो बोलो। हैं, माइक चाहिए, लो लो। बहन जी पूरा बोलिए, पूरा बोलिए, बहन जी। ये तो अभी से ही तो हैं, बहन जी। माइक, मेरा माइक दे दोगे ना बाद में? बहुत छोटा है अभी। चलो चलो, ये कैंपेनिंग में आपके साथ साथ घूमता है। अरे मेरा माइक दे दो भाई। अच्छा सुनो, मेरा माइक तो दे दो। अच्छा दे दीजिए माइक, आप तो दे ही नहीं रहे हैं आप माइक। अच्छा दूसरा वाला बोल दीजिए, बहन जी संघर्ष करो। तुम बहुत छोटे हो अभी, बहुत छोटे हो। हाँ, बहन जी को संघर्ष करना, माइक दे दो भाई। दूसरा दे देते हैं। क्या नाम है इसका? साम्राज्य। साम्राज्य, क्या बात है, साम्राज्य नाम है। दे दीजिए, दे दीजिए, दूसरा देते हैं, दे दीजिए। तो साथ साथ ये भी घूमता रहता है, और तभी ये सीख गया बहन जी, बहन जी का। पर जो एक लहर है, बात की जा रही है नरेंद्र मोदी का, तो उसके प्रति आप, उनके प्रति जो आपका भाषण है, उसमें किन बातों पे जोर रहता है नरेंद्र मोदी को काउंटर करने के लिए? तो यहाँ तो मोदी की लहर है ही नहीं। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी जानकारी में शायद आप पहली हैं बीएसपी में कि जिनके फादर हैं और जिनकी बेटी को टिकट मिला है, सही है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, और भी सही है, थोड़ा सा सही है। रश्मुद्दीन अंकल का बेटा अफजल भी लड़ रहा है चुनाव इस बार। जी जी, पहली बार नहीं। हाँ, तो बसपा में भी एक दूसरी पीढ़ी आ रही है, नसमुद्दीन अंकल का, सतीश अंकल का तो नहीं ना कोई? नहीं नहीं, उनका नहीं है। हाँ,
हाँ, जो लोग एक्टिव हैं थोड़ा पॉलिटिक्स में उनको समय मौका दिया जा रहा है। अच्छा। फिलहाल हमें तो बहन जी ने पब्लिक के डिमांड पर भेजा था। देखिए, एक बात ये कही जा रही है कि जब नरेंद्र मोदी आए तो उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग चल रही है वो गैर जाटो जितनी बिरादरियां हैं उन पर उनका काफी निगाह है उनकी, है ना, जो इस पूरे बेल्ट में शाके लोग हैं। तो आपके समाज के भीतर की जो राजनीतिक पहचान है, जो दावेदारी है, उस पर मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या वो बीजेपी की धारा की तरफ जाएगा। आप ठीक है बीएसपी के हैं तो आप तुरंत कहेंगे नहीं जाएगा, नहीं, तब भी लेकिन बीजेपी यहाँ पे, मैंने बताया ना, यहाँ पे मोदी की लहर है ही नहीं। बीजेपी कैंडिडेट मजबूत न होने की वजह से बीजेपी के जो खुद के बीजेपी का बेस वोट माना जाता है, आज वो बेस वोट भी बीजेपी पहले वोट तो नहीं कर रहा है। समाज बीजेपी का भी वोट बैंक माना जाता था एक समय की बात है, है ना? एटा फरुखाबाद में कुशवाहा समाज का वोट बीजेपी का माना जाता था। वहाँ सांसद हो जाते थे। कौन थे? महादीपक सिंह शाक, दयाराम शाक के। अच्छा, वो लोग होते थे। पांच पांच बार है, छह छह बार, इसलिए मतलब वो शाक के वोट वहाँ कर देते थे, एटा और फरुखाबाद में। अब नहीं है इस तरह कोई, तो अब उसमें फिर बीएसपी ने अपना प्रभाव बनाया है। बीएसपी ने सभी जगह। अच्छा, तो दो शाक के सांसद हुआ करते थे बीजेपी के टिकट। पांच पांच छह छह बार रहे। छह बार लगातार रहे हैं। छह बार रहे हैं जी। और छह बार सांसद होने के बाद भी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भी, इतने अच्छे व्यक्तित्व को कभी भी सरकार में जगह नहीं दी गई। कभी नहीं मिला। यही कारण है कि शाक्य समाज आज बीजेपी से कट चुका है। अगर जाटों के बाद बसपा की अगर कोई बड़ी बिरादरी है तो कुशवाहा नहीं, जाटों से भी ज्यादा है। जाटों से भी ज्यादा? हाँ, जाटों से भी ज्यादा। ठीक है, आपकी तबीयत खराब है तो मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहूंगा, आप जा सकती हैं। इसीलिए औरतें काफी खुश हैं आपसे, लेकिन देख लीजिए भाई, मुलायम सिंह भी कम मजबूत नहीं है। तो महिला शक्ति तो सबसे ज्यादा मजबूत होती है। हाँ। आज तक अगर इतिहास किसी ने रचा है तो महिलाओं ने ही रचा है, चाहे वो राक्षसों का वध रहा हो। हाँ। चाहे कभी वो माँ काली के रूप में, कभी दुर्गा के रूप में, तो हमेशा शक्ति तो महिलाओं के हाथ में ही रही है। तो यहाँ पर भी शक्ति इस बार महिलाओं के हाथ में ही आएगी, देखते हैं। लेकिन वो काफी मजबूत माने जा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके समाज की जो लड़कियाँ हैं उनमें डॉक्टर हैं, ये लड़कियों सबके वोट आए, सारी लड़कियां इनको वोट देंगे। हाँ। लड़का जो कुशवाहा है वो कहाँ देगा? ना, लड़का वो देगा वोट, सब लड़का खड़े होते, लेकिन लड़कियां इनके पीछे हैं। हाँ। लड़का डॉक्टर नहीं को कहाँ संसद में भेज रही है, यही रखिए, इलाज उलाज करते रहिए, है कि नहीं? अच्छी बात, थोड़ा बहुत कंप्यूटर में मजबूत ही रखियो। हाँ, कंप्यूटर में क्या बात, मजबूती है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को यूं ही आप एक चश्मे से नहीं देख सकते, इसके भीतर के समाज, समुदाय और समुदाय के भीतर से उभरता नया नेतृत्व। कुछ समुदायों में लगता है कि वो नीचे से ऊपर आने का चक्र पूरा हो गया है, तो कुछ समुदायों में लगता है कि अभी उसकी नीचे से ऊपर आने की शुरुआत हो रही है। तो शाखियों के नेता के पास इतनी बड़ी गाड़ी थी कभी? टाटा टाटा साम्राज्य जी, टाटा नमस्ते। और आप चिंता मत करना, यहाँ से एक भी वोट इधर उधर नहीं होना है। अच्छा। हाँ। तो आपको तभी पूछेगा जो संक्रिया मौर्य आएगी तभी, है ना, यही कह रहे हैं ना? हाँ, तो पहली बार आएंगे वो कम पूछेंगे आप। हाँ, मतलब एक बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ सांसद चुनी जाती है। हाँ, पर जो आते हैं वो केवल वोट के लिए आते हैं। हाँ, अपने बीएसपी पार्टी में भी, भी उस, उसके बाद अगर कोई काम आ जाए तो कोई कुछ जानता ही नहीं है। तो वोट क्यों देते हैं फिर? है, वोट तो केवल हम अपने बसपा के नाम से देते हैं, पार्टी के नाम से। तो मुझे एक बात बताइए कि आप पार्टी के नाम से वोट भी देते हैं, उम्मीदवार से खुश भी नहीं होते, ये जानते हैं कि वो आपका काम नहीं करेगा, फिर क्यों देते हैं वोट? काम अब दूसरों के यहाँ हम जाने को तैयार नहीं, दूसरों के यहाँ नहीं जाएंगे किसी हालत में, क्यों नहीं जाएंगे? अगर मान भी नहीं होगा हमारा, अगर आप दूसरे पार्टी में वोट दे देंगे तो कोई मानेगा भी नहीं कि शाक्य ने दिया है, नहीं जाटों ने दिया है, जाटों हमारे एक जाति गांव है।
जाटा बहुल गाँव है तो कोई आया ही नहीं घूमने, अभी तक कोई नहीं आया, हमारे गाँव में कोई नहीं आया। पर ये विचित्र है कि आपके आप लोगों के पास कोई समाजवादी बीजेपी वाले भी नहीं आए, कोई नहीं आया, झूठ मत बोलिएगा। बीजेपी का राज्य विधायक बहुत लोग होता है गाँव में, पत्रकार को झूठ बोल देता है, वो बात नहीं, बीजेपी वाला नहीं आया। तो बीजेपी ने तो कहा कि जाति पात तोड़ रहे हैं आपके, आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी वाले नहीं आए, हाईलाइट कीजिए बार बार, मैं हाईलाइट करूँ इस न्यूज को, हाईलाइट कीजिए। क्या हाईलाइट करूँ कि इस गांव में एक बीएसपी कैंडिडेट के अलावा कोई वोट मांगने नहीं आया, तो देखिए फिर आते हैं, आप हाईलाइट फिर आएंगे, आप इसे अलर्ट किए, देखिए आएंगे। लहर में कौन जाती है, लहर कौन जाति पैदा करती है, जाटा वो यही है, यादव वही है, जाति नहीं, ये नेता पैदा करते हैं। अरे यार टीवी पे इतना विज्ञापन देख दो, देना हाँ। तो उनको वोट क्या जाता है, वोट क्यों दें, कैंडिडेट ही ठीक नहीं, नोटो है तो सही, किसी को वोट नहीं, नोटा दोगे, नोटा देंगे, क्या जरूरत है अपनी कास्ट के, वो विकास नहीं करा रहे, अभी आप पुरानी घरौर वाली सड़क चले जाइए, नोटा देगा तो बीएसपी तो थरथरा जाएगी, बीएसपी को तो देना ही पड़ेगा। दोनों बात करते हो, बोलते हो कि विकास एक बात देंगे, फिर कहते बीएसपी को यंग वोटर, पहली बार वोट दोगे? नहीं, वोट पहली बार ही देना मुझे, पहली बार जी। अच्छा, यंग वोटर आजकल एक फर्स्ट टाइम वोटर एक कैटेगरी पैदा हुआ है इस चुनाव में, जी हर चुनाव में वैसा होता है, तो लोग कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो अपनी पुरानी पीढ़ी को छोड़ के नई, जो मान लीजिए आपके पिताजी बसपा को देते हो या किसी को देते हो, आप लोग हो सकता है कि बदल जाएंगे, आप सपा को दे देंगे या बिल्कुल बदल देंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कैंडिडेट, और कैंडिडेट विकास चाहता है या जातिगत रहकर काम करना चाहता है, ऐसे तो भाई अभी तो कह रहे हैं कि हम तो वोट बीएसपी को ही देंगे, ठीक है, लेकिन अभी जो समझदार हैं वो किसी को ना वोट दें, देखिए अच्छे कैंडिडेट भी निकलने चालू होंगे, पुराने जितने हैं 5 बार 6 बार जीत के गए हैं, वंशवाद ये खत्म होगा, जातिवाद खत्म होगा, भाईचारावाद खत्म होगा, धीरे धीरे ये सब खत्म होगा, खत्म हो रहा है यार, आप कह ही रहे हो। अच्छा एक बात आइए, मोदी लहर सुनने में आता है, कितनों ने अभी मोदी को वोट दे दिया, आप अच्छा एक बात देखिए, रायबरेली से देखिए राहुल गांधी खड़े हुए हैं, वहाँ की जनता का ये कहना है कि मैं यहाँ से तो कांग्रेस को ही जिताऊंगा, राहुल गांधी को ही जिताना है मुझे, लेकिन देश में बीजेपी चाहिए, बीजेपी सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि एक लंबी अवधि हो गई है उनको, उनका शासन देखते देखते, कांग्रेस का शासन देखते हुए, भ्रष्टाचार क्या बीजेपी नहीं करेगी, क्या बीएसपी नहीं करेगी, या आप नहीं करेगी, या और अन्य पार्टियां जो भी हैं वो नहीं करेंगी, करप्शन सभी लगते हो या कुछ ज्यादा जान गए पॉलिटिक्स के बारे में, क्या नाम है, दीपेंद्र प्रताप सिंह, दीपेंद्र प्रताप, निराशी मान लीजिए, निराशी मान लीजिए, आप भी जाटव हैं, कुछ और हैं, कास्ट एक ही है, पूरा गांव एक कास्ट है, हाँ। निराश क्या, आप अभी यहाँ से जाइए गिरोह वाली सड़क देख लीजिए एक बार, हाँ। एक बार सड़क बन चुकी, उस पर जांच हो चुकी, जांच के बाद ट्विटर पे नहीं हो ना, नहीं, फेसबुक कुछ नहीं, व्हाट्सएप कुछ नहीं, कट ऑफ, आपको नहीं पता चला लहर में नहीं है, किस लहर में, कोई भी लहर हो, नेता का लहर होता है, काय की लहर, कौन सा कैंडिडेट ठीक है, आप तो बहुत ही ज्यादा जागरूक जाटा हो लेकिन आप वोट बीएसपी को देंगे, लास्ट टाइम पे, लास्ट टाइम पे वोट, मतदान गुप्तदान, सही है, ताली बजाओ इनके लिए, जागरूक मतदाता है, ये पंचायत घर जाटव ने बनाया, जाटव सरपंच ने, हाँ ये तो काफी बढ़िया बनाया है, काफी अच्छा बनाया पंचायत घर, इसमें होता क्या पंचायत घर में, अभी आप आए थे यहाँ बैठ के मीटिंग्स वगैरह या आपकी कई मीटिंगें होती हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि जितने जाटव है बसपा को ही देंगे, आप वो देंगे, थिंकिंग है अपनी अपनी थिंकिंग है, उस पर तो जोर नहीं चलता किसी का, बस बीएसपी ने एक काम अच्छा किया कि अपनी जो संस्कृति खोती जा रही है उसको सहेजने का काम किया, आपने देखा अकबर ने किले बनवाए, शाहजहां ने किले बनवाए, ताजमहल बनाया, बीएसपी ने एक आपका बुद्ध स्तूप, सांची स्तूप, इस तरह की कुछ चीजें बना दी, आज के 100 साल बाद इन चीजों को देखा जाएगा, चाहे खंडर क्यों ना रह जाए, ये तो रहेगा, नाम तो रहे कि यहाँ कोई चीज थी, और संस्कृति को सहेजना बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को नहीं लगता कि जाति की राजनीति अब हो गया, आप बीएसपी को जितना बार देना था दे दिए, एसपी को जितना बार देना था दे दिए, अब एक कुछ अच्छे उम्मीदवार के लिए निकलिए तोड़ के इस बंधन को, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं इसके लिए भी ताली बजाओगे, गजब हाल है, अच्छा आप भी यंग हैं, पहली बार वोट करेंगे, अच्छा उधर दिल्ली या मुंबई में जितना भी फर्स्ट टाइम वोटर है
वो लोग अपना पूरा जलवा लूट लिया है। ट्विटर पे नहीं है? हाँ नहीं, फेसबुक पर है। फेसबुक पर है तो वहाँ पे यंग वोटर के रूप में आप क्या करते हैं, बसपा का प्रचार करते हैं? जी नहीं, प्रचार तो नहीं करते। नहीं, अपना वो फिल्म, कौन सा फेवरेट हीरो है आपका? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार कमाल है। तो हीरो तो आप किसी जाति का पसंद कर लेते हैं, नेता लेकिन अपनी जाति का? नहीं तो जाति का तो है ही, बस हमारे धर्म का तो है, बसपा का तो है, बसपा नाम से प्रसिद्ध तो है, बस हमें अपना बसपा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस बेंजिस चाहिए और कुछ नहीं। तो नाराज नहीं होते हैं बसपा से? नहीं, कुछ नहीं, कभी गुस्सा नहीं आता कि ये काम अच्छा नहीं किया? जब यादव लोग गुस्सा नहीं होते वो अपने सपा से तो बसपा से नहीं होते। एक इसी मैनपुरी के एक इलाके में यादवों के गाँव में कोई सपा से नाराज नहीं है, जाटवों के गाँव में कोई बसपा से नाराज नहीं है, तो यही तो यादव नहीं करते। अगर नाराजगी को जाहिर करेंगे तो यादव टूटेंगे। आप बताइए कि आप तो इस इलाके में घूमते रहते हैं, फिर तो कुछ तो बदला नहीं है ना, क्या कहीं कौन बदल रहा है फिर? क्या यहाँ की जो राजनीति है, ये जो स्टार्टिंग जो हुई थी वो पिछड़े की जो राजनीति खेला था वो मुलायम सिंह यहाँ पर इस एरिया में लाए थे। उसके बाद मैंने अभी उससे पहले भी बताया था, जब दलित की राजनीति बसपा में, जब तक काशीराम रहे तब तक जो दलित लोग थे उन्होंने अपना उन्हें वोट मांगा, क्योंकि 1991 में इटावा से ही काशीराम भी मुलायम सिंह ने जीते थे, उन्हीं के वोटों से काशीराम जीते, काशीराम इटावा लोकसभा से जीते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, एकदम बहन जी का उदय हुआ, फिर जो इनका वोट हुआ, मुलायम सिंह ने कहा मेरा यादव मुस्लिम, बसपा ने कहा साथ का है ना, जो था वो बिल्कुल अलग हो गया, जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो बसपा पे आ गया, जो और बीजेपी का था, मतलब सारी है बस जाति वाला। एक टाइम में 91 में यादव और जाटव ने पहली बार मिल के वोट दिया, वोट दिया नहीं, उसके बाद गठबंधन की भी सरकार रही थी 93 में, 91 में एक ऐसा चुनाव हुआ यहाँ पे जो हम मुलायम के बाद से कभी जाटव और यादव ने एक साथ एक जगह वोट नहीं, सरकार तो एक बार बनाई थी, फिर वो कांड जो हुआ था विधानसभा उसके बाद। आपका क्या नाम है कॉमरेड? हमारा नाम अमर सिंह शाक्य। अमर सिंह शाक्य, अच्छा, और यासी नगर है ये गांव का नाम, अच्छा, और यहाँ पे आप कितने प्रतिशत शाक्य लोग रहते होंगे? 60% करीब, पूरे 60% पूरे मौजे में, पूरे मौजे में है। अच्छा अच्छा, हाँ ये तीन गांव लगते हैं, यासी नगर, हाँ हाँ हाँ, नंगला सीता और ज्ञानपुरा। अच्छा, ज्ञानपुरा में टोटल शाक्य हैं, ज्ञानपुरा में जी। अच्छा, और इसमें 60% से कुछ कम है और वहाँ कम है नंगला सीता। तो शाक्य लोग अपने टाइटल में क्या क्या लिखते हैं? कुशवाहा शाक्य लिखते हैं, शाक्य लिखते हैं। अच्छा, अमर सिंह शाक्य जी, आज से 10 साल पहले शाक्यों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी और अब क्या हो गई? जो भी आप उनकी आर्थिक स्थिति का जहाँ तक सवाल है, हाँ, तो उनके पास एक तो न तो जमीन है ज्यादा, अच्छा, हाँ आर्थिक रूप से न कोई उनकी दुकानदारी है, हाँ, ज्यादातर पिछड़े हुए हैं, पिछड़ों में भी पिछड़े हैं। तो क्या करते हैं ये लोग, क्या करते ये हैं? ज्यादातर मजदूरी वगैरह करते हैं, हाँ, और किसी की बटाई की खेती भी करते हैं, हाँ, और इनके छुटपुट खेती है। अच्छा, तो ये आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से दोनों ही तरीके से पिछड़े हुए हैं। वो मैं देख रहा हूँ कि इन गांवों में आकर ज्यादातर गांवों में अब बैल और हरवाहे नहीं दिखते हैं। जी जी, पर इन इलाकों में हरवाहे दिखते हैं, जांता दिखता है, जांता जिससे भैंस, जांता चक्की, चक्की हमारे बिहार में जांता बोलते हैं। जी जी, तो वो दिखता है। बैल तो अब कम है सर, बैल कम हो गए, हाँ बैल इसलिए कम है, खेती कम हो गई, और बैल रखना बहुत कठिन काम, बहुत कठिन है, क्योंकि बैलों को रखने के लिए जगह, उनके चारे की व्यवस्था, हरवाहा खत्म हो गया, जो एक पेशा जो जाति से जुड़ा हुआ था। जी जी, है ना, जिससे जाति हरवाहा जो होते थे वो खत्म हो गए, खत्म हो गए, वो अब कुछ और काम कर रहे हैं, वो मजदूर। हमारे मित्र हैं चंद्रभान प्रसाद, उन्होंने आजमगढ़ के इलाके में पूरा एक सर्वे किया जी, तो उसमें बताया कि अब हरवाहा हल के खत्म होने से एक हरवाहा बदल गया, मतलब परंपरागत पेशे बदल गए हैं जी, लेकिन फिर भी जाति पहचान ये क्यों अलग से अब उभर रही है? क्या उसी तरह से आक्रामक रूप से उभर रही है जैसे ओबीसी में यादवों का उभार हुआ या फिर जाटवों का उभार हुआ? ये आज जो राजनीति हमारी हो गई है, हाँ, वो ज्यादातर जातिता के आधार पर बट गई है। हाँ, यहाँ बताइए कुशवाहा समाज या शाक्य समाज कैसे अपने आप को एक तरह से दावेदारी कर रहा है और उसमें कितना बदलाव आया पिछले 10 साल में? दावेदारी, हाँ, का जहाँ तक सवाल है, दावेदारी तो की है लेकिन, हाँ, इनमें एकता की कमजोरी है जैसे? क्योंकि ये शिक्षा से पिछड़े हुए हैं, हाँ, तो अभी ये कहा जाता है कि ये बीएसपी के साथ हैं। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, कुछ हिस्सा, हाँ, तो है उनके साथ, हाँ, लेकिन कुछ हिस्सा मुलायम सिंह के भी साथ है और लोगों के भी साथ है। अच्छा, हाँ, एक ढंग से ये नहीं कहा जा सकता है, बीजेपी के भी साथ है, हाँ, नहीं बीजेपी के साथ तो बहुत कोई नहीं है,
बीजेपी के साथ नहीं है। नहीं है, यहाँ बीएसपी और सपा के साथ तो है लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के साथ नहीं है, क्योंकि बीएसपी में इनको ये मौका लगा था कि कुछ ज्यादा सीटें लोगों को दी गई साथियों को, इसलिए इन लोगों को लगा कि हम इसमें कुछ तरक्की करेंगे। पर ये तो नया तरीका, ये कोई लगता है कि नाला है, नहीं? हाँ नाली है ये। अच्छा नाली है तो ये ऐसे साफ करने के लिए लोगों ने एक नई तकनीकी से बनाया, नहीं जी, कि बीच में इसको ढक दिया ताकि यहाँ से साफ हो सके। हाँ, साफ हो सके। गाँव में नालियों का प्रबंधन अब बहुत जरूरी हो गया क्योंकि सारे मकान पक्के बन गए। हाँ, हाँ, हाँ। सीवर लाइन टाइप है, सोचना पड़ेगा नए तरीके। ये नई गली बनी है। हाँ। अगर इसको ऊपर उठा रहे थे तो मकानों का नुकसान हो रहा था। हाँ, हाँ। इसलिए ये पहले से जो नाली बनी थी उसको ही थोड़ा और ऊंचा करके। ये आपके घर में गांव में भी पक्के मकान तो दिख रहे हैं, तो ये एक बाहर से एक सैंपल लेते हैं कि शाकिय समाज में भी कुछ बदलाव तो आया है, चाहे वो बाहर मजदूरी करने गए हों, चाहे वो नौकरी करने गए हों। मुझे नहीं मालूम इस गांव में कितने लोग नौकरी करते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं, पर झोपड़ियां भी हैं यहाँ पे। हाँ झोपड़ियां भी, अभी छप्पर पड़े हैं। पहले ये 10 साल पहले बहुत कच्चे मकान थे यहाँ। अच्छा। हाँ, अब उसका कारण है कि ये भी है। हाँ। कि जो नई भौतिक परिस्थितियां बदली हैं। हाँ। तो अब कच्चे मकान काम ही नहीं करते, न कहीं ईंट मिलेगी पाथने के लिए। हाँ। और न कोई और व्यवस्था, कच्चे मकान बार बार गिरते थे, महंगी भी पड़ते थे। हाँ। तो अब छोटा सा भले ही बना है पक्का, लेकिन पक्का ही बनाता है। आप भी कुशवाहा हैं, आप लोग सब कॉमरेड हैं। कुशवाहा कौन कौन है आप लोगों में? आप इससे पहले अशोक को कब से आपने सुना अपने जीवन में कि ये शाकियों के नेता रहे हैं? हम लोगों ने तो जब पढ़ा तभी सुना। तभी सुना जी। लेकिन बाकी समाज में वो एक प्रतीक के रूप में कब से दिखने लगे? वो नीचे तक तो प्रतीक में ज्यादा नहीं है। नहीं है ना। हाँ। नीचे जो लोग शाकियों में जो सक्षम हुए हैं वो अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, है ना? उस इतिहास में जाकर अपना एक वजूद तो हर समाज ढूंढता है। इसमें कौन से बड़े अपवाद की बात? क्या बाबा पूजा पाठ क्या करते हैं आप लोग? वही हिंदू पूजा पाठ है सारा। एक छोटा सा ज्ञानपुरा में जरूर बौद्ध प्रतिमा लगी है। कहाँ पे? ये आगे नंगला। अच्छा। तो ये जब आप लोगों की जो आपके समाज की जब शोभा यात्रा निकलती है तो आप देख रहे होंगे ना कि ये सब चीजें पहले नहीं होती थी, अब हो रही हैं। हाँ ये चलना शुरू हुआ है लेकिन ज्यादा भागीदारी उसमें नहीं होती है। आम साख के उसमें भागीदारी नहीं करता है। जो सीमित लोग हैं, जो उनसे जुड़े हैं, वही लोग ज्यादा हैं, आम जनता। क्या आप ये बदलाव देख रहे हैं कि शाक के भी अपनी राजनीतिक पहचान को लेकर धीरे धीरे एक एक दूसरी लाइन भविष्य में ले सकता है? जैसे यादव निकल कर आए, जैसे जाटव निकल कर आए, उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व किया। शाक के अभी ठीक है कि वो बीएसपी के साथ हैं ज्यादातर, या कहीं कहीं सपा के साथ हैं, उसमें आप बदलाव देख रहे हैं क्या? नहीं बदलाव तो है। है बदलाव है। जैसे मतलब एक तो बदलाव ये है कि हाँ। जैसे साग के हम लोग हैं। हाँ। अब यहाँ तो कम है, वैसे ज्यादातर इधर बेवर की तरफ, मैनपुरी की तरफ बहुत रीत से ही शादी करते हैं। वो बहुत रीति रिवाज बहुत रीत से पहले भी करते थे या अब करने नहीं? अब ज्यादा कर रहे हैं, पहले कम करते थे। पहले कम, पहले हिंदू रीति रिवाज से शादी करते थे। तो ये कैसे हुआ? ये बीएसपी के चलते हुआ या फिर आपके समाज के? जैसे आप यहाँ पे संकसा है जी, अब यहाँ पड़ोस में है तो वहाँ का उन लोगों ने तीर्थ है आपका संकिशा जो संकिशा है। हाँ, सारनाथ है जैसे बनारस में। हाँ, तो वहाँ आप लोग जाते हैं सारनाथ दर्शन के लिए? विदिशा जाते हैं? नहीं विदिशा तो नहीं गए, वैसे सारनाथ गए हैं। गए हैं वो ये सोच के गए हैं, जैसे लोग अमृतसर जाता है या फिर बनारस जाता है, आप सारनाथ गए हैं? सारनाथ गए हैं, वैसे दूसरे काम से गए हैं अपने पार्टी के सम्मेलन में, लेकिन आप दर्शन करने भी गए? वहाँ गए हैं, वहाँ देखा है मैंने। अब धीरे धीरे विकास हुआ है जैसे और तमाम जातियां हैं तो हम लोगों के साथियों का जी बहुत दे। युवा जितने हैं वो तो बस मोदी के समर्थन में और वो चाहते हैं कि विकास हो यहाँ पे। युवा सारा जितना भी है नया साथियों का भी, कोई भी धर्म कोई भी जात सब छोड़ के केवल अपना केवल विकास देख रहा है अपने देश का, अपने देश को बचाना चाहता है वो देना लोगों से। और आप लोग जी बताइए। हम लोग तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, तो हमारी हमारी जो पार्टी निर्णय करेगी उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। बाप रे बाप, हर पार्टी की यही बीमारी लग गई है कि वहाँ से जो निर्णय होगा वो नीचे तक होगा। हर पार्टी की यही बीमारी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ये लोग विकास नहीं देखते हैं, ये लोग केवल
क्या देखते हैं कि पार्टी ने इन्हें रस्सी से या फिर जंजीर से बांध रखा है ना, ये विकास नहीं देखते हैं। तो आप उससे अब मुक्त होना चाहते हैं? हाँ, हम युवा ये चाहते हैं कि कुछ अलग हो। कितने बार वोट दिए हैं अभी तक? अभी तक मैंने एक बार वोट दिया है। एक बार दिया है। जात धर्म से हटके देंगे हम वोट, और हम उसे वोट देंगे जो विकास करेगा, हमारे देश को बहुत अच्छी तरीके से चलाएगा। आप भी जी ये सही कह रहा है लड़का। हम तो सब अपने जो हमारे पास का नेता उसे देंगे। मुलायम सिंह क्यों ये कह रहे हैं कि आप जाति धर्म में बंधे हुए? हमें जाति धर्म से नहीं, जो हमारे पास का नेता वो हमारी हेल्प करेगा, बात से मुकुल। तो ये तो पीढ़ियों का बदलाव है, दो पीढ़ियां अंतर हैं, ये बात सही है। आपका नाम? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह शाक्य हैं? भदौरिया। भदौरिया हैं? अच्छा, भदौरिया लोग शाक्य नहीं होता है? हम शाक्य हैं सर। ठाकुर हैं? अच्छा, अब देखिए ठाकुर लोग बीजेपी का वोटर माना जाता है तो इधर है, यहाँ पे कह रहे हैं मुलायम को देंगे। शाक्य बीएसपी का माना जाता है तो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को देंगे। कितना अंतर है, कितना जटिल है इस राजनीति को समझना। काका जा रहे हैं, आप लोगों की आवाज टीवी में नहीं है, अब आप लोगों की आवाज अखबार में भी नहीं है, बता के जा रहा हूँ। हाँ, बाद में मत कहिए कि कोई पत्रकार आया था बताया नहीं। सही बोला, फटाफट। हाँ, आपकी पार्टी फेल हो गई, कम्युनिस्टों का यही तो फेलियर है कि इन्होंने बताया नहीं कि क्या है। अगर आप कहते हैं कि सांप्रदायिकता आपके लिए बड़ा मसला था, आपने क्यों नहीं इनको बताया? एक बात बताइए कि फिर क्यों नहीं है इन लोगों का, जो लोग तो हमने नहीं सुना और नौजवान है उन्होंने क्यों नहीं सुना? माना कि हम नहीं है, आप नहीं सुने? हाँ, नहीं हम बाकी ने क्यों नहीं सुना? हाँ, ये भी तो बात ठीक है। नहीं, अब हम लोग जाते हैं धरनों में, जाते हैं और प्रदर्शन और कोई बात बरात, हम लोग जाते हैं रैली वैली लेके जाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। ऐसा थोड़ी है, नहीं लेकिन वोट बीजेपी को दे देंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं आ पाएगा ना सत्ता, अभी छोटा इनका माहौल है। अब बीजेपी की तरह ऐसा माहौल हो जाएगा तब हम इनका पूर्ण रूप से देंगे। ये मैं इस निष्ठा और समझदारी को समझना चाहता हूँ। जब आप कम्युनिस्ट पार्टी की रैलियों में जाते हैं तो उनकी नीतियों को आप समझते हैं? नहीं, समझते हैं, है ना? हाँ, लेकिन ये आके सिर्फ इस एक बात से आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं कि ये लोग नहीं जीतेंगे और बीजेपी को नहीं, जो लोग जीतेंगे नहीं फिर हम अपना वोट क्यों खराब करें? वोट क्यों खराब करें, ये इम्पोर्टेंट बात है। ये भी तो बात है, पर इस एक अंतर के अलावा उस पार्टी से इस पार्टी में आते ही आपकी पूरी विचारधारा भी बदल जाती है क्या? नहीं, विचारधारा तो सीमित रहती है, वो ये लोग अच्छा करते हैं, ये लोग हमारे गांव तरीके के माहौल से हम लोगों की मदद करते हैं। पार्टी की तरफ से कोई जैसे वाद विवाद होती है तो हम लोग रैली धरना प्रदर्शन वगैरह करते हैं। अब फर्क केवल इतना है कि ये लोग सत्ता में नहीं आ पाएंगे, इस वजह से हम वोट नहीं। सत्ता चाहिए आपको? छोड़ो, काल मार्क्स को थोड़ा गुलवल कर पढ़ लेते हैं। नहीं देखा जाने कहा काल मार्क्स ने कहा गोल वर्कर लीजिए, तो आप ऐसा वर्कर क्यों बनाए कम्युनिस्ट पार्टी में जो ना गोल वर्कर जानता है ना काल मार्क्स जानता है, तो फिर क्या किसने कम्युनिस्ट पार्टी दी जाए तब तो जाने। ऐसे ही केवल रैली धरना में ले जाते हैं आपको? नहीं, हम जाते हैं अपनी तरफ से, अपनी तरफ से जाते हैं, देखते हैं जो भी बीजेपी का होगा दे देंगे, देख देंगे टीवी देख के। अच्छा, पहली बार मुझे कोई मिला जो ये कह रहा है कि टीवी देख के कुछ असर हुआ है। नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? हुआ है? और नौजवानों में भी हुआ है, ऐसा नहीं है कुछ लोग नहीं कहते हैं तो हुआ नहीं है। हुआ है? हुआ है। कहाँ नौकरी करते हो? नौकरी तो सर ऐसी प्राइवेट तौर तरीके से कंपनी में काम, 4 महीने काम, 6 महीना बस ऐसे ही। ये तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर तो तब भी चलेगा जब भी कोई आ जाए तो? ये आपने सोचा है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो मजदूर हैं उनकी स्थिति में कुछ बदलाव होना चाहिए? नहीं, बदलाव होना चाहिए। कोई नेता बोला है आपको किसी भी पार्टी का? नहीं, बदल नहीं, इतनी नेता लोग कहाँ सोचते हैं, वो तो अपना सोचते हैं। तो आप नेताओं के बारे में क्यों सोच लेते हैं जब वो आपके बारे में नहीं सोचते? नहीं, हम तो नहीं सोचते, सिर्फ उसके हार और जीत का आपने सोचा? नहीं नहीं नहीं, हम सोचते हैं कि कुछ नया हो। हाँ, अब कब हुआ होगा उनका हमें नहीं पता। नया पुराना मतलब टेस्ट बदल लो क्यों, है ना? बदलना चाहिए, जब आदमी वो टेस्ट एक खा लगा के रह जाओ तो खराब हो जाता है, बस उतने स्वाद की बात है। ठीक है, कुछ तो अलग होना चाहिए। ठीक है, कुछ ठंडा हो जाए।